हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। हम लोग आज आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट नंबर एक का क्वेश्चन रहेगा। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो जाए। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ देखिए, 4 3 12 होता है, 9 3 6 18 होगा, 7 3 21 हो जाएगा और 10 3 30 हो जाता। तो यहाँ देखिए, तीन तीन सम्मे कामन है, तो ये ऐसी संख्या ढूंढना है जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखें, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा। ये देखिए, 3 से कटिए, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ये आपका सही हो सकता है। ये देखिए, 3 5 15, 3 6 18, ये देखिए, 3 3 5 15 और 3 चौक 12, ये कट रहा है। लेकिन अब यहाँ ये देखना है कि 4 से भी कट सकता है कि नहीं, 4 से भी कट जाएगा 6। अब 3 6 से कटना है, 6 2 12, 12 4 और 7 हो जाएगा। 7 से देखिए, अब 7 से भी कटना, देख लीजिए, 7 से कटे, 7 3 7 2 14, 14 2 22 हो रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ से देखेंगे, अब ये 3 से पहले, इसको 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 और 3 जो 12, ये कट रहा है। और 7 से देखें, 7 7 और 3 2, 7 3 21 7 6 35 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। अब ये देखिए, 3 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कटेगा और 7 से 7 7 7 6 42, ये कट जा रहा है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इस तरह से हम ढूंढ के निकाल सकते हैं कि कौन सा है। आरआरबी जी 25/5/2019 में पूछा गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखें, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया, उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? एक छात्र ने एक संख्या को कितने 21 से भाग, कोई संख्या था, क्या था, कोई संख्या था, वो कह रहा है कि 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उत्तर जो आया 35 आ गया। तो यहां से हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए, यहां मान लेते हैं, माना वह संख्या यक्स है, कोई संख्या है, और 21 से हमको 12 से 21 से विभाजित करने के लिए करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया। उसने क्या कर दिया, 12 से विभाजित कर दिया और वो 35 प्राप्त हो गया। तो वो संख्या क्या हो गया, 12 गुणे 35 हो गया। अब 12 गुणे 35 हो गया, अब 21 से विभाजित वो संख्या आपका जो जो हम माने थे वो संख्या कितना आ गया, 12 गुणे 35 हो गया। अब हमको 21 से डिवाइड करना है, तो 21 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 3 चौक 12 और 3 7 21, 7 5 35, तो 4 5 20, आपकी वो क्या हो जाएगा, अगर 21 से विभाजित करेंगे तो सही उत्तर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर के, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 2 3 1 2 2 8 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 33 को क्या करेंगे, दो फैक्टर करेंगे, तो 11 गुणे 3। अब यहाँ 3 की विजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो ये कटता है नहीं, 3 से काटिए, देखिए 9 9 होना चाहिए, जोड़ने पे 3 से अगर कटे तो 9 9 और 1, ये कट गया। फिर 2 2 4, 2 6 3 9, ये कट जा रहा है, इसका मतलब 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब आंसर आपका सीधे हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 35 40 और 30 को पूर्णतया विभाजित कर दे। ऐसे संख्याओं को हम क्या करेंगे, अब 35 25 40 और 30 को पूर्णतया विभाजित कर दिए। तो इसको हम विभाजित करने का मतलब ये हो गया कि 35 से भाग नहीं देंगे तो उस क्या विभाजित नहीं होगा,
वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 पूर्णतया विभाजित कर दीजिए। तो सीधे सीधे हम देखते हैं, 35 से भाग देंगे तो शेष आपका विभाजित नहीं होगा, 15 से भाग अगर देते हैं तो 15 दूना 30 हो जाता है, ये भी नहीं कटेगा। 20 से अगर इसको भाग देते हैं तो ये क्या 25 और 35 भी नहीं कटेगा। और आपको सिर्फ चार, देखिए ऐसी पांच ऐसी संख्या है जो आपको सभी से पूरा पूरा व्यक्त, ये 5 से भी कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा और 30 भी 5 से कट जाएगा। तो कह रहा वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो पांच ऐसी संख्या है जो पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। ये RRB JEE 1/6/2019 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? तो इस संख्या को हम देखेंगे 8 से भाज्य नहीं, तो लास्ट में 3 डिजिट देखा जाता है, 3 डिजिट जो देखेंगे वो भाज्य नहीं है। तो हम पहले 76 को देखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से कटेंगे, 8 2 8 28 64, 64 हो गया, 3 6 8 4 32, इसका मतलब पहला ही नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है और सभी कट जाएंगे। 32 को देख, 832 को देखेंगे, 8 9 8 32, ये भी कह दिया, और ये 36, 8 से काटे, 8 4 32, 32 8 5 40, ये भी कट जा रहा। 504 देख लीजिए, 8 से 8, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 48 2 8 4 32, 8 3 24, इसका मतलब पूरा पूरा ये विभाजित हो गया। तो आपका आंसर आपका कह रहा है कि कौन सा भाज्य नहीं है, तो 12 676 भाज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिखा है 2 7 6 x 1 से 3 से विभाज्य x के संभावित मानों का योग बताइए। तो 2 7 6 x 1, अब 3 से विभाज्य संख्या है, तो देखेंगे यहाँ पर कैसे निकालते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जोड़ लीजिए सभी को। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को 3 से विभाज्य होने वाली क्या होता है, 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 और प्लस 16 में अब यक्ष में क्या यहाँ जोड़ना है, अब 3 से कटिए तो 6 2 जोड़ देंगे, तो 16 2 18 हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या, इस संख्या यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 3 2 रखेंगे, 2 रखेंगे। अब कह रहा है कि सबका योग बताइए, तो 16 प्लस x हो गया, तो यहाँ पर 2 पुट किया, 16 प्लस 2 बराबर 18 हो जाएगा। फिर अब क्या कह रहा है, x के संभावित मान, अब यहाँ पर हम क्या क्या संख्या रखें कि आपका पूर्ण, एक तो 2 रखा, ठीक है 2 रखेंगे, और 16, 8 भी रख सकते हैं, और 16 प्लस 5 भी रखेंगे। तो संभावित मान कितने कितने संख्या, कौन कौन सा रखें कि ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो 18 6 16 4 20 4 24, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 5 11 21, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 18 भी, इसका मतलब 2 8 और 5 जोड़ दीजिए, 8 2 10 5 15। तो कह रहा है कि यक्ष के संभावित मानों का योग क्या होगा, तो यक्ष के संभावित मानों मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, हमको इसी में से लेना है। तो संभावित मान 2 था और 5 लिया था और 8 लिया था, मतलब ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो इसको रखने पर 3 से डिवाइड हो जाएगी और पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और उन सबका योग पूछ रहा था, तो उस सबका योग हो जाएगा 2 8 6 15, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एक संख्या प्रणाली में 14 528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होते हैं, तो भाजक बताइए। तो यहाँ का क्या रही, पहले हम एक चीज जान लेते हैं, माना भाजक जो है, माना
भाजक क्या लेते हैं, यक्ष मान लेते हैं, तो हमें भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको 14,528 दे रखा भाज, फिर भाजक हमको यक्ष मान लेते हैं और गुणे 83 से, भागफल 83 है और शेषफल आपका 3 दिया है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो 83 यक्ष और इसको 14,528 में से 3 घटा देंगे, 83 यक्ष बराबर इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14,525, 14,525 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 175, भाग देने पर क्या आ जाएगा, एक्स का मान 175। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20,000 में जोड़ने पर उसका योग 12, 15, 25 से विभाज्य हो। इसको देखें, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 12, 15 और 25 का क्या एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 300। अब हम 300 को 300 से डिवाइड करेंगे 20,000 को, क्या करेंगे, 20,000 को 300 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 200/3 आ जाएगा। इसको भाग देंगे अब इसमें क्या है, इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए है कि ये पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो इसमें मान ले हम सिर्फ 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 300। 300 में से हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग इतना से विभाजित हो जाए, तो सीधे आपका हो जाएगा कितना, 100। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1,000 से बड़ी संख्या, 1,000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 से विभाज्य है। इसको देखेंगे, पहले हम फिर एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 2, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 12, और 12 का घन करेंगे, 12 का घन कर देंगे तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, बारह रहीम 144 और 12, 3 दूनी 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8 और 2 4 4 1, 8 8 4 12 4 6 7 1, तो 17, 28। ऑप्शन नंबर आपका वो बड़ी से 1728 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इतना से विभाज्य है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एक विजुअलिटी देखते हैं, यक्ष 44, 6, 1, यहाँ 11 से डिवाइड होने के लिए सम को एक साथ जोड़ लेते हैं, विषम को एक साथ घटाएंगे, जो संख्या आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखें, इसको लेते हैं और इसको लेंगे और ये इसके साथ में हो जाएगा, तो यक्ष +6 +1, यक्ष +4 सॉरी यक्ष +4 +1 और इधर हो जाएगा 4 + 6, तो यहाँ हो गया 10 और ये हो जाएगा x+5। अब इसमें क्या जोड़ दें, सिर्फ 5 जोड़ देंगे तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, 5 + 5 और यहाँ हो गया 10 = 0। इसका मतलब सम और विषम को जोड़ने पर 0 आना चाहिए, तो इसमें यक्ष के स्थान पर कौन सी संख्या रखेंगे कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो यक्ष के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है, तो जो 9 से विभाज्य है वही आपका 3 से भी विभाज्य है। तो देखिए, 2 1 3,
दो, तीन, चार, छः, चार, पाँच, चार, नौ, ये नहीं कटेगा। इसको देखते हैं, छः, तीन, नौ, पाँच, चार, नौ, ये देखिए, यहाँ से तीन, छः और छः, तीन, नौ और पाँच, चार, नौ, तीन, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4, 9, 6, 5, 3। अब देखिए, तो 6, 3, 9 हो जाता है और 5, 4, 9 होता है 9, इसका मतलब 9, 9 की गिनती हो जाती है, तो 9 से ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित। तो 4 से विभाजित करने के लास्ट का दो डिजिट देखते हैं, तो 90 नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, तो 4 ये भी नहीं होगा, और 4 76 कट जा रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह छोटी सी छोटी संख्या कहलाती है। अब इसको भी देखेंगे, 13 नंबर का क्वेश्चन, क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या है, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो ये आ जाता है 420। अब 420 में क्या करेंगे, एक जोड़ दीजिए, तो 421 हो गया। इसका मतलब शेष 420 अब ही है, 420 में कह रहा है एक जोड़ दीजिए, तो शेष बचता है, एक जोड़ेंगे और किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 421। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है, जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। इसको देखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, निम्न में से क्या वह बड़ी संख्या जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 बचता है, इसका मतलब 105 में से 9 घटा देंगे तो 96 आ जाएगा, तो 96, तभी तो 4 से 9 शेष बचेगा। और आगे कह रहा है, 164 में अगर 20 घटा देंगे, तो इसका मतलब 20 जोड़ा गया था तभी तो शेष बचा हुआ था, तो इसमें 20 घटा दीजिए तो 144 हो गया। फिर अब 96 में से 144 को भाग देंगे, तो एक बार जाएगा 96, ये कटेगा, 96 आ जाएगा। चौदह में से 6 गए 8 और 48 आ जाएगा, और 96 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 96 कट गया, तो ये आ गया 48 को 2 बार, 2 बार जाएगा, ये पूर्णतया कट जाएगा। तो कह रहा है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कितना, 48, ऑप्शन नंबर 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। ऐसे ही ग्रुप डी में क्वेश्चन आते हैं, अब इसको आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करें वो अभी इसको देखो, 200 क्या, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 223 को क्रमशः विभाजित करती है। तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, 258 में से 2 घटा देंगे तो 256 हो गया, और इसमें 323 में से 3 घटा देंगे तो 320 हो गया। अब इसको एचसीएफ ले लेंगे, इन दोनों में से अगर घटा दें तो आपका आंसर क्या हो जाए, घटा दीजिए, सीधे घटा देने पर भी आंसर आ सकता है, 320 में और 256 को घटा दीजिए, तो ये 10 में से 6 गए 4 और 11 में से 5 गए 6, तो ऑप्शन नंबर देखिए 64 आपका दिख रहा है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, एचसीएफ से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? तो 6 से विभाज्य वाली संख्या जो 3 से विभाज्य होगी या 2 से विभाज्य होगी? पहले 3 से विभाज्य होगी, तो 3 से विभाज्य के लिए क्या कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी जोड़ते हैं। देखिए 6 8 1 9, 9 2 11, 11 11 3 14, 14 6, 14 6 20, 1 21, ये जोड़ने पर 21 आ रहा है। और 3 6 से विभाज्य, 3 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब 6 और 3 से इसी में किस, अरे सॉरी, 2 या 3 से किसी एक से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य हो रहा, तो आपका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इतने में से इतना संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थिति अंक यक्ष चुनिए ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य। तो 6 से विभाज्य इसका मतलब 6 को 3, 2 या 3 से विभाज्य होना, तो 3 से हम देखेंगे 3 विजिबिलिटी क्या होती है, जोड़ लेंगे सभी को, क्या करेंगे जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 कट गया और ये भी कट जाएगा, 8 8 7 15, 8 प्लस 7 प्लस 8 7 15, और 15 में 3 अगर जोड़ देंगे तो 18 हो गया, और 6 से कट जाएगा, इसका मतलब 3 जोड़ेंगे, यक्ष का जो मान होगा, यक्ष का जो मान होगा वो 3 होगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 65 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से कम तक हो जाए? तो इसमें घटाइए सीधे सीधे 18 घटा दीजिए, 29 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 29 से विभाग, तो 18 शेष बचेगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 84 में घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो क्या घटाएंगे, 11 84 से 21 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 5 बार पहले जाएगा, 5 और 5 दूनी 10, 3 1 34, 6 बार जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ से 14 में से 6 8, 8 6 14, तो यहाँ पर क्या घटाया जाए, तो यह 1184 में से 8 घटा दिया जाए तो आपका ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, 17 39 में क्रम में क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको घटा देते हैं, 9 1 10 हो जाता है और 7 3 10 हो जाता है, तो इसका मतलब 11 ऑप्शन हो जाएगा। जोड़ा 17 339, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 11 हो जाएगा, यहाँ 6 3 और 11 25 55 55 हो जाएगा, 13 में से 8 5 13 9, 11 से फिर काटेंगे, 11 8 88, 88 1 बचता। अब इसमें 10, अब डिवाइड करने क्या जोड़ा है, इसका मतलब सिर्फ 10 अगर जोड़ेंगे तभी 11 होगा, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो कह रहे हैं इसमें क्या जोड़ा है, तो 11 जोड़ दीजिए तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन समाप्त है, अगला वीडियो में पार्ट। धन्यवाद।